মুহূৰ্তত জনায়েছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এবাৰ হুংকাৰ দিছে আসাদউদ্দিন ওৱাইছিয়ে। আসাদউদ্দিন ওৱাইছিয়ে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে এখন গুজৰাট সৃষ্টি কৰিছে য'ত ৰাস্তাত হিল নিক্ষেপ কৰা শিশু এটাক হত্যা কৰা হয় আৰু অপমান কৰা হয়। কিন্তু যিজনে 150 জন লোকক হত্যা কৰিছিল তেওঁলোকৰ একো কৰা নহয়। ইয়াই হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰিত্ৰ। এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ হুংকাৰ দিছে আসাদউদ্দিন ওৱাইছিয়ে। এই মুহূৰ্তত আসাদউদ্দিন ওৱাইছিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। শুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কি মন্তব্য কৰিছে আসাদউদ্দিন ওৱাইছিয়ে। भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को, भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाल्लाह रहेगा ना गुजरात। तो गुजरात को बनाने वाले सब आए, मगर जो मुख्यमंत्री बना उसने नहीं बनाया, जनता ने उसको बनाया, जनता ने उसको बनाया। हां मोदी जी, गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया, गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, गुजरात को सूरत के इन कारोबार करने वालों ने बनाया, जो रात के अंधेरे में भी हीरे की पॉलिश करते हैं, कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये गुजरात बनाने वाले ये है। मोदी नहीं है गुजरात बनाने वाले। हाँ, गुजरात को किसी ने, मोदी जी आपने गुजरात में एक चीज जरूर बनाई, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया जिससे 150 लोग मर गए, 150 लोग मर गए, जिसमें से 50 मासूम बच्चे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भाजपा के लोग बोलते कि मोदी जी 18 घंटे काम करते, कोई बोलता 20 घंटे, ठीक है, हो सकता कि 24 घंटे काम करते होंगे, करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर यह क्या बात है कि जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी जिम्मेदारी थी ब्रिज को देखना, वो अभी तक आराम से अपने घर में एयर कंडीशन खोल के सो रहा है मोदी जी। और आज गुजरात के जनता को यह पैगाम देना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने बता दिया कि गुजरात के जनता की जान की कीमत 12 लाख है, आपकी जान की कीमत 12 लाख है। गुजरात की जनता सुन लो, तुम्हारे जान की कीमत 12 लाख है, क्योंकि वो कंपनी जिसको ब्रिज के लिए दिया गया था उसने सिर्फ 12 लाख उस पर खर्च किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ मोदी जी, आपने गुजरात को बनाया जरूर कि रोड पर लाकर बच्चों को पीटा जाता है, बेइज्जती की जाती है, मगर एक पत्थर फेंकने वाले बच्चों को रोड पर लाकर मारा जाता है, जिसने 150 लोगों को मरवा दिया उसको कुछ नहीं किया जाता। ये इंसाफ है, ये इंसाफ का पैमाना कि पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठम से मार कर उसकी बेइज्जती की जाएगी, मगर जिसकी वजह से 50 मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले गए, 150 परिवार के लोग मर गए, उसको लाठी तो छोड़ो, उसको तो कोई देखकर भी नहीं पूछता कि क्या किया तो।